नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गीता कुकिंग वर्ल्ड में स्वागत है। सुबह सुबह की भागदौड़ होती है और वो रोज रोज वही नाश्ता खा के हम बोर हो चुके हैं, तो यहाँ पर एक आपके लिए एक नई रेसिपी मैं शेयर करने वाली हूँ, चटपटा मुरमुरा बॉल्स। देखते ही मुंह में पानी आ ही गया दोस्तों, खाने में बहुत ही बढ़िया है। हाँ दोस्तों, बहुत ही कम समय में बन जाता है और बहुत ही कम ऑयल में। तो ये रेसिपी आपको हमारी ये कैसी लगती है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना है, और ये रेसिपी को आपने आखिरी तक भी देखनी है। तो अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हो गए तो लाइक करना है, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना है, बेल आइकन पर भी क्लिक करना है, यानी जो भी लेटेस्ट वीडियो आपके मोबाइल में फ्री में आ जाएगी। चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने लेना है 1.5 कप जितने कुरमुरा इस तरीके से। हाँ दोस्तों, कुरमुरे को अच्छी तरह से साफ कर लेना इस तरीके से। अब इस बॉल के अंदर हमें कुरमुरा डाल देना है और यहाँ पर हमने पानी डाल देना है और 2 मिनट तक इसे अच्छी तरह से भिगो कर रख देना है, क्योंकि कुरमुरा जो है ना जल्द से जल्द भिगो कर हो जाता है, ज़्यादा टाइम लगता नहीं, सिर्फ 2 मिनट में अच्छी तरह से भिगो के हो जाना चाहिए। अब यहाँ पर 2 मिनट हो चुके हैं, पहले से कितने सॉफ्ट हो गए हमारे कुरमुरे आप देख सकते हो, अच्छी तरह से भिगो कर हो चुका है। अभी इसे पानी में अच्छी तरह से निथार लेना है इस तरीके से, देख रहे हो, और एक बाउल में निकाल लेते हैं। अभी यहाँ पे मैंने मुरमुरे को अच्छी तरह से निचोड़ लिया है, थोड़ा भी पानी नहीं आप देख सकते हो। अभी इसे हाथों से अच्छी तरह से मैश कर लेना है। यदि आपके पास बहुत कम टाइम है तो आपने क्या करना है, मिक्सर के जार में दरदरा पीस लेना है, ज़्यादा भी महीन पीसना है, सिर्फ दरदरा पीस लेना है। अभी हमारे पास टाइम है इसलिए मैं हाथों से इसे अच्छी तरह से मैश कर ली हूँ। अभी यहाँ पर मैंने हाथों से अच्छी तरह से मैश कर लिया, आप देख रहे हो थोड़ा बहुत मैंने मुरमुरा रखा भी है, क्योंकि दिखने में भी लगना चाहिए कि यार मुरमुरे का एक नया नाश्ता हम बना के खा रहे हैं, इस तरीके से देख रहे हो, ऐसा ये होना चाहिए। अभी यहाँ पर हम लेंगे 1/2 चम्मच जितने, यानी कि 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर लेंगे, यानी इसे मैंने पाउडर कर लिया, 6 या 7 ली थी मैंने, वो डाल देते हैं। इसी के साथ हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, और यहाँ पे हम डालेंगे 1 कप जितनी सूजी डालेंगे। हाँ दोस्तों, आप सूजी बारीक वाली या मोटी वाली कौन सी भी इसमें यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे हम डालेंगे 2 टेबलस्पून जितना मैदा, अपना चने का आटा डाल देंगे यानी कि बेसन, और इसी के साथ हम डालेंगे 3 चम्मच जितना फ्रेश वाला दही डाल देते हैं। अभी इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है हमें, हमें पानी का यूज़ नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि हमने यहाँ पर दही डाला है तो इसमें अच्छी तरह से डो बनकर तैयार हो जाता है। यदि आपका डो नहीं बना, बहुत कम लग रहा है, तो कोई बात नहीं, आप इसमें दही ज़्यादा भी डाल सकते हो, तभी इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं हम। हाँ दोस्तों, अभी इसे अच्छी तरह से मिक्स तो हमने कर लिया है, पर एक बात इसमें डालना है, क्योंकि जो हम बॉल्स बनाने वाले वो स्पॉन्जी बनने चाहिए अंदर से और खाने में सॉफ्ट हो चाहिए, तो यहाँ पर हमने डालना है 3 चुटकी जितना खाने का सोडा डाल देते, यानी कि 1/2 टेबल स्पून मैंने खाने का सोडा डाल दिया हुआ है, और इसी के साथ ही हमने डालना है 2 चम्मच जितना ऑयल, ये वाला यूज़ किया है टेबलस्पून वाला, 2 चम्मच सॉफ्ट लगेगी हमारी जो बॉल्स मुरमुरे के। अभी इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, खाने का सोडा डाला तो ये फिर ये जो तब गोली हमारी होगी बॉल्स, ये फूल के बड़ी हो जाएगी और खाने में एक नंबर लगेगी, एक सॉफ्ट पना आएगा। हाँ दोस्तों, ये रेसिपी आपको कैसी लगती तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना है। अभी इसका हम डो बना लेते हैं। अभी यहाँ पर हमने डो बना लिया, आप देख सकते हो यहाँ पर थोड़ा भी मैंने पानी का यूज़ नहीं किया है, अपने आप अच्छी तरह से डो बनकर रेडी हो चुका है। अभी इसे छोटे छोटे बॉल्स बना लेते हैं। अभी यहाँ पे हाथों को मैंने थोड़ा तेल लगा लिया हुआ है, क्योंकि हम जो बॉल्स बना गए थे चिकना भी बन जाएगा और हाथों में डो चिपकेगा भी नहीं, तो यहाँ पे हम लोग छोटे छोटे साइज के बॉल बनाएंगे इस तरीके से, देख रहे हो एकदम अच्छी तरह से बन जाते हैं। और हम तो हमेशा एक नाश्ता खा खा के बोर हो गए दोस्तों, तो ये कुछ नया नाश्ता है और बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा और बड़े लोगों को भी। अभी यहाँ पे हमने ऐसे बॉल्स बना लेना है, देखो इस तरीके से। अभी यहाँ पर हमने स्टीमर का बर्तन ले लिया हुआ है और यहाँ पे ऑयल मैंने ग्रीस कर लिया है, अभी एक एक बॉल्स इसमें डालते जाएंगे। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो सारे बॉल्स यहाँ पे बनकर तैयार हो चुके हैं। अभी एक जगह हमने स्टीमर में पानी उबाल के रख लिया, अभी स्टीमर में रख देते हैं। यहाँ पर पानी अच्छी तरह से उबाल आ गई है, अभी यहाँ पे हमें बर्तन रख देना है और इसे 15 मिनट कुक होने को छोड़ देते हैं, यानी स्टीमर के अंदर ही। अभी यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं हमारे जो बॉल्स अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं। अभी गैस बंद कर देते हैं और इसे पूरी तरीके ठंडा होने को छोड़ देते हैं। अभी यहाँ पे हमारे जो कुरमुरा बॉल यानी मुमरा का बॉल अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है, मैं आपको लेके बता देती हूँ, देख रहे हो, तोड़ के भी बता देती हूँ, वाव एकदम परफेक्ट, हल्का सा गर्म भी है दोस्तों, कोई बात नहीं। अभी इसे थोड़ा साइड कर लेती हूँ, अभी तड़का लगा लेते हैं। अभी यहाँ पे 2 टेबलस्पून ऑयल डालते हैं, ऑयल को हमें अच्छी तरह से गर्म कर लेते हैं। अभी यहाँ पे 1/2 टीस्पून सरसों के दाने डाल देते हैं,
इसी के साथ हम डाल गए हाफ टी स्पून जीरा। जीरे के साथ डालेंगे दो लहसुन की कलियां, आधा इंच अदरक का टुकड़ा, इसे हमने इसे ग्रेट कर लिया और इनके थोड़े बड़े कट किया। यदि आपको ऐसा नहीं खाना पसंद हो तो कोई बात नहीं, आप इसकी पेस्ट भी डाल सकते हो। यहाँ पे एक हरी मिर्च डाल देते हूँ, ये कम तिक्की वाली है दोस्तों। इसी के साथ हम डाल के मीठे कड़ी पत्ते, अभी इसे एक मिनट के लिए हमें थोड़ा चला लेना है। अभी यहाँ पर हमें एक मिनट के लिए चला लिया, अभी एक बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ डाल देना है। हाँ दोस्तों, सुबह की जो भाग दौड़ होती है और रोज़ का नया एक एक नाश्ता खा के हम बोर हो जाते हैं, तो यहाँ पे एक नया नाश्ता मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये नाश्ता आपको कैसे लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी प्याज को हम अच्छी तरह से सॉटे कर लेते हैं। अभी यहाँ पर प्याज अच्छी तरह से सॉटे हो चुके हैं। हाँ दोस्तों, प्याज का हमें ज़्यादा गोल्डन कलर नहीं करना है, सिर्फ प्याज का जो कच्चापन नहीं चाहिए इस बात का ध्यान देना है। अभी यहाँ पे एक टमाटर बारीक कटा हुआ डाल देते हैं। टमाटर को जल्द से जल्द गलाने के लिए यहाँ पे आधी चम्मच जितना यानी कि पाव चम्मच जितना हमें हल्दी डाल देनी है। हल्दी डालने से क्या होता है, टमाटर जल्द से जल्द गल जाते हैं और हमारा जो टाइम भी बच जाता है। अभी इसे भी अच्छी तरह से चला लेना है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे जो टमाटर और प्याज अच्छी तरह से गल चुके हैं। हाँ दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही कम ऑयल में मैं बना रही हूँ, आप देख सकते हो एकदम परफेक्ट। अभी यहाँ पे बाकी के मसाले डालेंगे। यहाँ पे हमने लेना है हाफ टी स्पून जितनी काश्मीरी मिर्ची पाउडर लेनी है, ये कलर वाली है दोस्तों, ये कम तीखी होती है। तो यहाँ पे हमने ग्रीन मसाला भी डाल, ग्रीन मिर्ची भी डाली, हरी मिर्च इसलिए मैंने लाल मिर्च का खाली कलर आने के लिए इस्तेमाल किया नहीं काश्मीरी मिर्ची। आधा चम्मच धना जीरा पाउडर डाल देना है। यहाँ पे पाव चम्मच जितना हमें चाट मसाला डालना है, क्योंकि एक चटपटा स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है। पाव चम्मच जितना गर्म मसाला ऐड कर लेते हैं। इसी के साथ हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, और यहाँ पे डालना है गाजर ये बारीक कटा हुआ, एक चम्मच जितना मैंने डाल दिया हुआ है। अभी इसे भी एक मिनट के लिए हमें चला लेना है। अभी यहाँ पर हमने एक मिनट के लिए अच्छी तरह से चला लिया है। हाँ दोस्तों, गाजर को ज़्यादा कुक नहीं करना है, इस बात का आपने ध्यान देना है। अभी यहाँ पे एक चम्मच जितना टोमेटो केचप डालेंगे, क्योंकि बच्चे लोगों को टोमेटो केचप बहुत ही पसंद है, तो यहाँ पे एक नया स्वाद मैंने दिया हुआ है। थोड़ा सा नींबू डाल देते थोड़ा खट्टापन आने के लिए इस तरीके से, और इसी के साथ हल्का सा मैं धनिया भी डाल देती हूँ। अभी इसे भी चला लेना है एक मिनट के लिए, तो गैस की फ्लेम धीमी रखनी है, नहीं तो मसाले हमारे जल जाएंगे। एक मिनट के लिए अच्छी तरह से मसाले हमारे कुक हो चुके हैं, आप देख सकते हो। अभी यहाँ पे जो बॉल्स हमने बनाए थे वो डाल देना है सारे ही। हाँ दोस्तों, आज की ये रेसिपी हमारी आपको कैसी लगती तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना है। अभी इसे अच्छी तरह से चला लेना है हल्के हाथों से, देख रहे हो एक नया स्वाद और नया नाश्ता है दोस्तों, झट से पट हो जाता है। और कुरमुरे से घर में तो होते ही है और सारी सामग्री भी होती है। आपके घर में कोई मेहमान आया तो आप मेहमानों को भी इजीली सर्व करके दे सकते हो और बोलेंगे कैसे बनाया आपने, है ना। अभी से एक मिनट के लिए चला लेती हूँ। तो यहाँ पर हमारी बनकर तैयार हो चुकी है मुरमुरा की बॉल्स रेसिपी, मैं आपको लेके बता देती हूँ। देख रहे हो, देखते ही मुँह में पानी आ गया है दोस्तों, ऐसे लगे हम कब बनाए और कब खाए। हाँ दोस्तों, ये रेसिपी आपने घर पे बनाई है तो कैसे बने हमें कमेंट करके जरूर बताना है। अभी हम गैस बंद कर देते और सर्विसिंग प्लेट में सर्व कर लेते हैं। तो देखा ना दोस्तों, कैसे बना दिया हमने चटपटा मुरमुरा बॉल्स, रिजल्ट आपके सामने है। मैं आपको लेके बता देती हूँ, बहुत ही कम ऑयल में मैंने बनाया है दोस्तों। वाव, देख रहे हो, देखते ही मुँह में पानी आ गया है। सिर्फ यानी 2 चम्मच ऑयल से हमने बनाया, इनकी टेबल स्पून से, रिजल्ट आपके सामने है। तो आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगती है हमारी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना है। चैनल पे नए होगे तो लाइक करें, शेयर करो, सब्सक्राइब करना ना भूले। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करें दोस्तों गीता कुकिंग वर्ल्ड को। धन्यवाद।